वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल के। आज के वीडियो में मैं आपको पूरा रिव्यू पूरा डिटेल्स देने वाली हूँ रे नेचुरल रोज मेरी एसेंशियल ऑयल के बारे में। ये बिल्कुल अनस्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैं इसमें आपको जो भी रिव्यूज बताऊंगी वो बिल्कुल ट्रू है। आई नो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के काफी वीडियोज है यूट्यूब पर ये जो स्पेसिफिक ब्रांड है रे नेचुरल्स, इस पे खाली दो ही वीडियोज है पर उसमें भी पूरी तरह से डिटेल्स नहीं दिए हुए और इसके रिव्यूज भी अमेजोन में बहुत अच्छे थे और रेटिंग्स भी 4.3 आई गेस थे। तो इसलिए मैं ये वीडियोज आप सभी के लिए बना रही हूँ कि आपको जब भी अगर रिजनेबल रेट में प्योर रोजमेरी ऑयल चाहिए हो तो आप इसे 100% परचेज कर सकते हो और स्किन और हेयर आपका दोनों के लिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रोजमेरी क्या होता है। रोजमेरी एक पत्ती होता है, एक हर्ब होता है जिसे हम गुल मेहंदी भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, हमारे हेयर फॉल के लिए। इसके अलावा भी हमारे बहुत चीज में हेल्प करता है, पेन रिलीफ में, स्ट्रेस रिलीफ में, हमारे स्किन केयर में। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स देने वाली हूँ कि इसे कैसे यूज करना है, आपको क्या क्या कॉशन रखना है इसे यूज करते टाइम। तो एंड तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने ये अमेजोन से परचेज किया था। इसका बॉक्स पैकेजिंग कुछ इस टाइप का है और ये 299 रुपीज में था बट मुझे 220 में ही मिल गया था। और इसमें जो बॉटल है ये आपका 15 ml का ये बॉटल आता है और इसमें मिलता है हमें ये डिफ्यूजर। ये डिफ्यूजर आप देख सकते हैं नीचे तो थोड़ा टिल्टेड है जिसके कारण इसे यूज करना काफी इजी होता है। ये पूरा वॉटरी फॉर्म में है, आप देख सकते हैं ये पूरा एक वॉटर फॉर्म में है। इसे एक ड्रॉप टू ड्रॉप आपको जैसे भी यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। मुझे सबसे बेस्ट लगता है इसका जो स्मेल है, इसका जो स्मेल है ये पूरा एक कैम्फर की तरह स्मेल है, यानी कि कपूर। ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसे हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में यूज करें, डायरेक्टली यूज ना करें, कोई ना कोई चीज के साथ मिला के ही इसे यूज करें। अब चलिए देखते हैं कि ये कैसे हमें यूज करना है और क्या चीज में हमारा हेल्प करता है। फर्स्ट यूज है इट इम्प्रूव्स आवर ब्रेन फंक्शन। अगर आपको भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ब्रेन ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है, आप कोई चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आप रोजमेरी ऑयल को आराम से यूज कर सकते हो। कोई हैंडकरचीफ ले लीजिए या कोई टिश्यू या कोई कॉटन ले लीजिए, उसमें 1 to 2 drops ऑफ रोजमेरी ऑयल डाल के उसे हल्का हल्का आप स्मेल करिए, आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपका जो फोकस है वो भी इम्प्रूव होगा। सेकेंड पॉइंट है हेयर ग्रोथ। हम सब जानते हैं कि रोजमेरी ऑयल हमारा हेयर ग्रोथ और हेयर ऑयल के लिए बेस्ट ऑयल है। 1 TSP कोकोनट ऑयल ले लीजिए, 2 to 3 drops ऑफ रोजमेरी ऑयल ले लीजिए, हेयर ऑयल की तरह इसे अप्लाई करके अब नॉर्मल शैम्पू कर लीजिए। अगर आपको शैम्पू में इसे यूज करना है तो अपने जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं उसमें 10 ml आप रोजमेरी ऑयल डाल के नॉर्मली हेयर वॉश कर लीजिए, आप देखेंगे आपका जो बाल है उसमें बहुत ही अच्छा आपको एक शाइन मिलेगा। थर्ड पॉइंट है इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस। अगर आपको कोई भी टाइप का अगर आपको टेंशन हो या स्ट्रेस हो आप इसे हल्का हल्का स्मेल करके अपना टेंशन को रिलीव कर सकते हैं, आपको बहुत रिलैक्सेशन होगा। आप चाहे तो कोई भी ऑयल मिला के या कोकोनट ऑयल या जोजोबा ऑयल या कोई भी ऑयल मिला के आप इसे हेड मसाज भी कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है इट रिलीव फ्रॉम पेन। अगर आपको कोई भी बॉडी पेन है या स्टमक पेन है या लेग पेन है तो आप इसे मसाज कर सकते हैं कोकोनट ऑयल में मिला के, आपको बहुत अच्छा एक रिलीफ मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है अगर आपको कोई जॉइंट में पेन है तो अपने जॉइंट में इसे मसाज करिए, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। सिक्स पॉइंट है ये एक रूम डिफ्यूजर की तरह भी हेल्प करता है। एक बाउल में 1 to 2 drops ऑफ रोजमेरी ऑयल डाल के छोड़ दीजिए, आपके रूम में बहुत अच्छा एक एरोमा क्रिएट होगा, आप बिल्कुल पीसफुल एनवायरमेंट में चले जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। सेवन पॉइंट है ये कोल्ड एंड कफ में हमारा बहुत हेल्प करता है। अगर आपको कोई भी टाइप का कोल्ड कफ अगर आपको है तो आप इसे हल्का हल्का स्मेल की, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, कोई हैंडकरचीफ ले लीजिए या टिश्यू ले लीजिए, इसे हल्का हल्का स्मेल करिए, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। एक पॉइंट है अपने बाथ में यूज करना है तो वाटर में 1 to 2 drops ऑफ रोजमेरी ऑयल मिला के आप बाथ ले लीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। नाइन पॉइंट है ये हमें स्किन हाइड्रेशन में बहुत हेल्प करते हैं, आप इसे एज अ क्रीम यूज कर सकते हैं। आप 1 TSP एलोवेरा जेल ले लीजिए, उसमें 2 to 3 drops ऑफ रोजमेरी ऑयल मिला के अपने फेस में अच्छे से लगा के आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में आपको अपना स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट भी लगेगा, आपको स्किन टाइटी भी लगेगा और आपका स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगा। टेन पॉइंट है ये रेपल्स किल करने में बहुत हेल्प करते हैं। जो हमारे बेड के नीचे जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं आप वहां 1 to 2 drops ऑफ रोजमेरी ऑयल डाल के छोड़ दीजिए, देखिए कि जितने भी वहां पे रेपल्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं।
तो ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल है। अब हमें ये देखना है कि इसमें सावधानी हमें क्या क्या रखना है। सबसे पहला तो ये है कि इसे कूल और ड्राई प्लेस में रखें, डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, बच्चे के आसपास बिल्कुल ना रखें, और ये एक्सटर्नल यूज के लिए है। इसे कंज्यूम ना करें, इसे हमेशा एक्सटर्नल यूज के लिए यूज करें। और सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट है कि फीडिंग मदर्स इसे बिल्कुल भी ना यूज करें, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी बिल्कुल भी यूज ना करे। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आपको ये ऑयल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मेरे वीडियोज अगर अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।